ये देख सकते हो जी, यहाँ पर कोई मिट्टी का इस्तेमाल नहीं हुआ, सिर्फ कखों के जरिए बनाया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है। वो भी लोग कह रहे हैं कि यहाँ से चले जाओ आप। अच्छा, ये भी मतलब निकालने के लिए बैठे हैं? निकालने के लिए बैठे हैं, यही छीनने के लिए तैयार बैठे हैं। चलो कोई बात नहीं। क्या है, हम जो पाकिस्तान में बैठे, हमारा बैठने के लिए हमें जगह मिलनी चाहिए। हमारा पाकिस्तान में हिस्सा है, हमारा पाकिस्तान में बैठने के लिए जो सरकारी जगह है, हमारी अलाटमेंट नहीं है तो सरकारी जगह हमें मिलनी चाहिए। आज से 15 साल से ये पहले बैठे हुए हैं। ये अब कितना टाइम हुआ है आपको? तकरीबन ये 15 साल हो चुके हैं। 15 साल। अच्छा, ये 15। हेलो, नमस्कार एंड जय श्री राम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, अभी हम पहुंचे हैं एक गांव में। यहां पर बहुत ही बड़ा गांव है, तकरीबन 40 से 45 हमारे हिंदू भाइयों के घर हैं। और जो यहां पर ये लोग रहते हैं ना, तकरीबन मेरे ख्याल में 17 से 18 साल हो गए यहां पर रहते हैं, ठीक है ना। आप लोग जो पीछे हमारे बैकग्राउंड में ग्रीनरी देख रहे हो भाई, यहाँ पर ये ग्रीनरी नहीं थी, पहले डेजर्ट का एरिया था। डेजर्ट मतलब के रेत के डिब्बे थे बहुत बड़े बड़े। इन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की और मेहनत करके इस जगह को ये देख सकते हो मतलब के सदा बाहर कर दिया भाई, ठीक है ना। तो इसे मतलब के ये जो दौरानिया, ये तकरीबन 15-16 साल लगे हैं इनको। और अब जब 15-16 साल में ये दरखत वगैरह हो गए हैं, इन्होंने अपने घर बना लिए हैं, तो अब इन्हें जी पता लगा है कि ये जो जगह है यहाँ पर, जहाँ पर ये लोग रहते हैं, ये तो इनकी है ही नहीं, ये किसी दूसरे को अलाटमेंट होने वाली है। तो बहुत ही ज़्यादा बेचारे परेशान हो गए थे। तो मेरे साथ अभी इस वक्त राठौड़ भाई भी मौजूद है, मनीर नाथ भी मौजूद है। तो हम लोग मिलकर यहाँ पर आए हुए थे कि इनका मतलब कि कुछ मसले का हल निकाला जाए, ठीक है ना। तो अब हमने ये सोल्यूशन निकाला है कि हम जाएंगे मिलकर, जो डीसी साहब है हमारे रहीमयर खान में, उनका ऑफिस है, हम ऑफिस में जाएंगे, उनका विजिट करेंगे और उनसे ये मतलब कि एक रिक्वेस्ट करेंगे कि कोई ना कोई मतलब कि हमारा हल किया जाए, सोल्यूशन किया जाए। तो अभी सबसे पहले तो यहाँ पर बहुत सारे 3-4 बुजुर्ग हैं, हम उनसे भी मिलवाएंगे आप लोगों को, और कुछ घर है उसका भी विजिट करवाएंगे, और यहाँ के जो रहने सहने का मतलब के तरीका कार है वो भी दिखाएंगे। तो चलते हैं जी, और आज के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब कर दें और लाइक ज़रूर करना है। हाँ राठौर भाई, आप कुछ कहना चाहते हो इस विलेज के हवाले से, आप थोड़ा सा हमें बताएँ। नमस्ते, नमस्कार। तो ये अकलीती बस्ती है पाकिस्तान जी। में हिंदू जो बस रहे हैं, ये तकरीबन 12-13 एकड़ों में ये विलेज है, और यहाँ पे बुज़ुर्ग और भाई नौजवान खड़े हैं, उनसे भी जानते हैं। इधर सुनने में आया है कि ये जो जगह है ये काफ़ी पुरानी है और 15 साल से ये बैठे हुए हैं, लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि किसी को अलाट की जा रही है, तो इनको हम बचाने के लिए जो किरदार है अपना, हम तन मन से अपनी कोशिश पूरी करके इनका जो हक है इनको हम दे देंगे। धन्यवाद। तो हमारे साथ अभी मौजूद है मनीर नाथ। तो मनीर नाथ, आप हमें बताएं कि आपने क्या सोचा इन भाइयों के बारे में, मतलब कि हमें पता चला है कि जी जिन जगहों पर ये लोग रह रहे हैं इनसे या तो छीन ली जाएगी यहाँ पर, या फिर इनके मतलब कि इस जगह पर खेती बाड़ी का जो ज़मीन होती है वो तैयार की जाएगी। तो अब क्या कहना चाहते हैं? जय हो, जय हो, जय शिया राम, जय शिया राम। तो मेरा नाम मनीर नाथ है। बहुत बहुत धन्यवाद आप भाइयों की, मेरे मित्रों की। तो अब जब ये पाकिस्तान हमारा पाक वतन है जी, जी, उस पाकिस्तान पाक वतन में हम जब रहते हैं तो सबके लिए ये पाकिस्तान साझा है, एक है, बात है। तो हम ये जो हमारी भील बिरादरी है, आज से और 15 साल से पहले ये इधर के बैठे हुए हैं टिब्बे पे। क्यों? ये गरीब लोग हैं, इसके पास इतना पैसा नहीं है जो माड़ियाँ लगा ले, जाए से कोठे बना ले, कमरे बना ले, ये तो ऐसे ही रहते हैं। क्यों? इन्होंने सारी उम्र जो है ज़मीनों की और कपास कनक इन्होंने ये काश करते हैं, ये राखी करते हैं, ये इधर काम करते हैं, जानवर पालते हैं, इसमें इन्हों की मेहनत बनती है। क्या है, हम जो पाकिस्तान में बैठे, हमारा बैठने के लिए हमें जगह मिलनी चाहिए। हमारा पाकिस्तान में हिस्सा है, हमारा पाकिस्तान में बैठने के लिए जो सरकारी जगह है, हमारी अलाटमेंट नहीं है तो सरकारी जगह हमें मिलनी चाहिए। आज से 15 साल से ये पहले बैठे हुए हैं। ये अब कितना टाइम हुआ है आपको? तकरीबन ये 15 साल हो चुके हैं। 15 साल। अच्छा, ये 15 साल हुए हैं। तो अभी जब हमें और मेरे सुल्तान भाई को और हमारी टीम को जब पता लगा, तो इधर का जो मसला है इस गरीबों को, कल या 2 दिन हुए हैं पहले एक चौधरी आया था, वो कह रहा था इधर से उठ जाए, ये हमें जगह अलाटमेंट हुई है। देखो हम कहाँ जाएं,
हम बैठेंगे कहाँ बैठेंगे, किधर जाएंगे, हमें इधर बैठना है तो ये इधर से उठना नहीं है। बाकी हम अभी जो हम जो भाइयों को इकट्ठा किया है, हमारे दोस्तों को, हमारे भाई सुल्ताना साहब को और जो भी हमारे साथ हैं, हम अभी इसको इकट्ठा किया हुआ है, क्यों अभी भी ये साथी जो इन्हों के है मजदूरी पे गए हुए हैं, इसको बच्चे जो है कपास चुनने के लिए, छोटे छोटे बच्चे, मतलब ये छोटे छोटे बच्चे हैं ये अभी जो है साथ में है, तो अभी जो कपास चुगने के लिए और जो हमारे बीवी है, बहन है, मामा है, यो कपास के लिए गई हुए, तो अभी जो ये साथ में इकट्ठे हुए हैं ये अभी रो रहे हैं, हमें इधर से उठेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। ये जगह जो बनाने के लिए आप देखें, ये देखें, चलो ये जो जगह है हमारी ऐसी झुगियाँ होती है और ये इनके घर जो जिस कहते हैं, हम इधर जो इधर के रहशी हैं, हमारा ऐसा घर होता है जिधर हमारा कोई मेहमान आता है, चारपाई रखते हैं और बैठने के लिए, ये देखें अभी ये जो है दरख्त है, ये दरख्त जब एक साल का नहीं होता है, ये कम से कम ये दरख्त छोटा और बड़ा साल में जो होता है ना पांच फोटो होता है उसका कद, साल में दरख्त का 5 फुट का होता है, इसको देखिए ये 20 फुट 40 फुट चला गया है, तो इसका कब ये कोई दरख्त इसी टाइम में बीजे हुए थे, ठीक है, टाइम लगा, इसको टाइम लगा, ये 15 साल इधर का रहने वाले हैं, तो मैं ये अर्ज करूंगा सब हमारे पाकिस्तान, हमारे पाक वतन के जो लीडरान है, हमारी हुकूमत है, हम सबको कहेंगे, वजीर आला को कहेंगे, वजीर खारजा को कहेंगे, हमारे डीसी साहब को सलूट करेंगे, और हमारे जो ये मसाइल है गरीब जहां बैठे हुए हैं उनको ये अलर्ट होना चाहिए और मेहरबानी करके इसको अलर्ट करना चाहिए, बहुत बहुत मेहरबानी और धन्यवाद। अच्छा यहाँ पर तकरीबन कितने घर होंगे भाई? इधर भाई घर हैं तकरीबन 50 से 45 घर होंगे। अच्छा वो यानी कि हिंदू कम्युनिटी के घर कितने होंगे हमारे? हिंदू तकरीबन है इधर कोई 40 घर। 40 घर हिंदू के। अच्छा तो चलते हैं जी, हम आपको कुछ घर भी दिखाते हैं, विजिट करवाते हैं। तो ये घर सेटिंग हो जाए। तो ये अजमल जी का, ये अजमल जी का घर है जो जिसका नाम अजमल जी है, और हम जिकारे से ऐसे बोलते हैं, हम हिंदू बिरादरी से हमारा ताल्लुक है। अच्छा तो हम जो इसीलिए उसको जी बोलते हैं, अजमल जी और मेरा नाम मुनीर जी, तो हमारा ये जिकारा ऐसे में होता है हिंदू धर्म से लिहाज से, ये गरीबों का जो जगह है ये, और ये जैसे ये गांव में ये गंदम जो होता है वो गंदम रखते हैं, और जिसको गंदम हम बोलते हैं वो इसी गंदम इसमें रखते हैं और काट के, और उससे बाद ये जो घर है इसमें हमारा जो जैसे ये हमारी जो भील ब्यादरी का ये समझो माड़ी है, और हम भाई बस दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और क्या करते हैं। अच्छा आपके जानवर वगैरह कितने रखे हैं? बस ये 2-3 है। ये गाय हैं? बस इनसे गुजारा करते हैं। ये गाय हैं जी इनकी, तो अभी हम जा रहे हैं आगे आप लोगों को। ये गाय जो है ये भी हिस्से पे रखी हुई है, इतनी नहीं है, हिस्से पे रखते हैं, इसमें जब कितने साल 3 साल 4 साल से बाद हमें आधा मिलता है। अच्छा इसमें 4 साल से बाद आधा हिस्सा मिलता है, आधा ये इतनी लेके बड़ी करते हैं हम, बाद में आधा हिस्सा मिलता है, ये काम ये हमारा जो ये बस रोजी के लिए पेट के लिए हम करते हैं। तो गाइस आगे हम जा रहे हैं और आप लोगों को कुछ घर विजिट करवाएंगे, यहाँ का रहने सहने का तरीका का दिखाएंगे, लाइफस्टाइल दिखाएंगे। तो ये घर है, घर टोपन जी का घर है, ये इसका नाम टोपन है। तो अभी इस टाइम कपास चुगने के लिए बच्चे गए हुए हैं, तो सिर्फ एक दौरा है। क्या नाम है आपका अंकल जी? टोपन जी। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे गए 7। 7 बच्चे हैं, बेटे कितने हैं? बेटे 4 बेटे। अच्छा 7 बच्चे। अच्छा क्या क्या काम करते हैं आपके बेटे? क्या मेहनत मजदूरी करते हैं? मेहनत मजदूरी करते हैं। अच्छा जी तो ये टोपन जी है और ये इनका घर है जी। ये इसका जो एक सामान रखने के लिए जो जगह होती है, ये हमारा जैसे ये जो माड़ियाँ हम नहीं बना सकते, ना को दरवाजा भी है, ये गरीब इतने लोग है, और इन गरीबों को जब उठाया जाएगा फिर ये कहाँ जाएंगे? ये कहाँ जाएंगे? जब देखो ये झुग्गी बनाने के लिए ये टिपों पे ये जो मिट्टी बहुत औखी आती है, ये टोकरियों पे और तगारियों पे उठा के ले आते हैं। कोई यानी कि ट्राली या रेडी वगैरह आती नहीं है इधर, ट्राली इधर नहीं आ सकती। उसके बाद ये महला देख लो जी, हमारे महला ये भी तोड़ने से आए हुए हैं, ये महला हमारे गरीबे के जो लगे हुए हैं ये भी छीनने के लिए बंदे ये कह रहे हैं इधर से चले जाएं। जब भाई इधर से हमें को उठा देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं और हम क्या करेंगे? तो मैं सब भाई और जितने मेरे दोस्त देखेंगे उसको एक सलूट जरूर करूंगा, ये मेहरबानी करके इस गरीबों का हक है और बैठने के लिए इन को जगह और देनी चाहिए। और देखो ये ऐसी हालात है, ये देखो जिसके ये बटन नहीं लगा सकता इतनी औकात है वो क्या करेगा ये जगह और दाम से लेगा?
ये दाम से जगह नहीं लेगा। ये मैं ये कहूँगा मेहरबानी करके इस गरीबों को जगह ये मिलनी चाहिए और मेरी दुआ होगी और आप सब माई मिलकर इसको बैठने के लिए जगह ये लेके दें। ये देख लो जी, ये मतलब के घर है इनका, झोपड़ी है, इस तरीके से रहते हैं। हम थोड़ा अंदर से दिखाते हैं। ये देख लो जी, ये इनका सामान पड़ा हुआ गाइस, ये सामान इस तरह का है, ये लाइफ स्टाइल है। आप इसे ब्यूटीफुल भी कह सकते हैं और इंतहाई ज़्यादा गरीबी भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ये देख लें जी, अच्छा तो ये देख लें जी, एक ये रूम बना हुआ है इस तरीके का। ये देख सकते हैं जी, मतलब कि छांव के अंदर, छांव के नीचे बकरियां यहां पर रखी हुई हैं। और ये सब का सरताज ये कैमरे को देख हमारे पास आई है। ये भी मेरे ख्याल में कुछ कहना चाहती है हमें, लेकिन बोल नहीं पा रही है। ये सारों का सरताज, हाँ ये सारों का सरताज है। गर्मी बहुत ही ज़्यादा हाई है, बहुत ही ज़्यादा हमारा जो कैमरे का टेम्परेचर है वो हाई होता जा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ये रेगिस्तान है और इसका इस इलाके का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है, ठीक है ना। हमारे मोबाइलों का क्या, हमारा खुद का भी टेम्परेचर थोड़ा हाई हो रहा है इधर तो, इतनी गर्मी है। हाँ बहुत ज़्यादा हैवी। हाँ ये देख, ये अच्छा ये किसका घर है भाई? ये जी घर जो है इसका दानुराम, दानुराम जिसको अदनान शो दानुराम जी जी। हमारा जे जैसे हमारा नाम होता है उस नाम को हम बताना है, इसका नाम है दानुराम। तो देखें जब हमारा जो पहले प्रोग्राम होते थे ये चोलस्तान के इलाके का, तो ऐसे ये जो ये चीज देखते जी जी, ये खीप, ये इसको खीप है क्या है? इसका नाम है खिप भी कहते हैं और चग भी कहते हैं। चग वो होती है जिसको जब हवा लगता है, थोड़ा जब पानी लग जाता है तो इसमें ऐसी नहीं चलता, ऐसी हवा इसमें चलती है। कूलर पखे की तरह ये इनको समझो कूलर पखे हैं। अच्छा, अच्छा। ये ऐसी है इस गरीबों के लिए। हाँ। आपकी ऐसी जो होती है वो ठंडी हवा देती है ना, तो यही ठंडी हवा देती है, इसके पानी जब इसके ऊपर लग जाता है फिर ठंडी हवा देती है। तो ये समझो इनको माड़ी है और ये इनका घर है, ये समझो एक बैठक जैसे एक उताक बनी होती है मेहमानों के लिए, बैठक बनी हुई है मेहमानों के लिए, ये मेहमानों के लिए बैठक बनी। ये देख लीजिए मेहमान नवाजी के लिए चार पहिए रखी हुई है और इस तरीके से ये बनाया हुआ है भाई, क्या ही बात है। देखने में बहुत ही ज्यादा यार खूबसूरत लग रही है वैसे। तो ये बनाया किसने है? ये सर बनाने वाला, ये बनाने वाला, ये देखो टोपी पहनी हुई मेरी, आपने खुद अपने हाथों से बनाया है? जी जी अपने हाथ से बनाया, बहुत ही जबरदस्त है जी, बहुत ही खूबसूरत। अच्छा आपका घर कौन सा है? ये आ जाए ना, ये आपका घर। अच्छा ये देखो इसकी जिस हमें कहते हैं चार दीवारी, इसको हम चार दीवारी कहते हैं। ये हमारे चार दीवारी हमारी जो है हमारे अकेलियों की, ये चार दीवारी का है, ये चार दीवारी, ये देख लेते ये चार दीवारी की हुई, जिसको हम चार दीवारी बोलते हैं। तो ये सब्जी भी लगा रखी है घर में, हम ग्वार कहते हैं हमारी बोली में, ग्वार कहते हैं। तो ये ग्वार है, इसको पका के खाते होते हैं। हाँ। तो ये पानी भी किधर से लाते हैं? नहर पे, सिरों पे उठा के लाते हैं, सिर पे पानी लाकर ये सब्जियां देख लो किस तरीके से उगा ली। ये दरखत इसमें सारा कुछ, ये समझो इनकी चार दीवारी है, ये कमरे की चार दीवारी होती है, ये का चार दीवारी है, ये कमरा है। अच्छा ये देख लो जी, क्या ही बात है, क्या ही खूबसूरत घर है, ये कमरा है, क्या ही बात है। इन्होंने हाथ से बनाया, कोई मिट्टी वगैरह इस्तेमाल नहीं की हुई है, सिर्फ कख झोपड़ियों के जरिए ये बनाया हुआ है। हम चलते हैं अंदर, आ जाइए आप अंदर आ जाइए। हाँ ये यूं समझ ले हमारे रेगिस्तान की फ्रिज है, ये फ्रिज है, ये फ्रिज। हाँ मतलब के इसमें पानी जो है ना ठंडा रहता, स्टोर होता है। और बिजली का क्या बंदोबस्त? ये प्लेट रखी हुई चलती है, खराब है प्लेट चलती है? हाँ, ठीक है चल रही है। अच्छा तो ये देख सकते हैं ये इनका सामान वगैरह। अच्छा यार आपने कहाँ से सीखा ये? बहुत ही जबरदस्त हाथ से बनाया हुआ है। बस यार मैंने बड़ों से भी सीखा था और बड़ों से सीखते ये टाइम आ गया। ये देख सकते हैं जी, यहाँ पर कोई मिट्टी का इस्तेमाल नहीं हुआ, सिर्फ कखों के जरिए बनाया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत। लोग कह रहे हैं कि यहाँ से चले जाओ आप। अच्छा ये भी मतलब निकालने के लिए बैठे हैं? निकालने के लिए बैठे हैं, यही छीनने के लिए तैयार बैठे हैं। चलो कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ हल निकल जाएगा जी। ये देख लो दरवाजा भी लगा हुआ है जी, क्या बात है। ये है इनका छोटा सा किचन है, क्या ही बात है भाई। और यहाँ पर मेरे ख्याल में कोई सामान पड़ा हुआ है, पुराना जो सामान है वो स्टोर किया हुआ है, यह लकड़ियाँ वगैरह जलाने के लिए। देख लो ना, ये रेगिस्तान से जो लकड़ियाँ मतलब है ना, टालियाँ वगैरह काट कर लिए है, जलाने के लिए ला कर रखते हैं।
स्कूल नहीं जाते हो तुम? नहीं। स्कूल यहाँ पर कोई बच्चा नहीं जाता आपका? नहीं, है ही नहीं स्कूल। स्कूल है ही नहीं? अच्छा, आप लोगों के बच्चे स्कूल वगैरह नहीं जाते यहाँ पर कोई भी? स्कूल है ही नहीं इधर? स्कूल मतलब कोई 40-50 घर है और इधर स्कूल नहीं है? अच्छा, कोई करीब की जो करीब गांव है उसमें भी नहीं? करीब गांव कितना दूर होगा तकरीबन? करीब गांव तकरीबन 1 किलोमीटर दूर है, वो भी नहर से इधर इस तरफ, नहर से पार है। अच्छा सर, एक मेरी बात है सर, अर्ज भी है। तो आज ये जब इधर हम पहुंचे हैं, हमें पता लगा है तो इधर बच्चे बहुत सारे हैं, काफी बच्चे हैं इधर, तकरीबन 25-30 घर से ज्यादा, और हमारे भील बिरादरी सनातन धर्म के भाई हैं। तो अभी ये देखो कितने बच्चे हैं, तो इसका एक बच्चा भी जो इधर स्कूल नहीं है, और डरते हैं ना अकेले बच्चे भेजने के लिए, और किधर जाते हैं नहर क्रॉस करके जाना पड़ता है, करनी पड़ती है, फिर रोड पे जाते हैं तो रोड भी जो नहरी होती है, क्यों खतरनाक होती है, उसमें एक्सीडेंट बंदा बच्चा हो जाता है, जहाँ अकेला फिर बच्चा भेजने के लिए ये तरस रहे हैं। तो मैं ये भी कहूँगा मेहरबानी करके, तो मेरे गुरु सुखदेव को तो ये हाथ जोड़ के मैं विनती कर रहा हूँ, तो इधर एक हमें स्कूल जो है ये इधर एक मिलना चाहिए, और ये जरूरी, और गुरु जी को मैं हाथ जोड़ के विनती करूँगा, ये स्कूल जो हमारा इधर ये इस कानूनी में एक होना चाहिए जिसमें हमारे ये बच्चे पढ़ें। ये मेहरबानी करके ये मैं गुरु जी को अर्ज भी करूँगा और सलूट भी करूँगा, तो इधर एक स्कूल हमारा होना चाहिए। क्या नाम है अंकल जी आपका? डूंगर जी। डूंगर जी, अच्छा आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 7 बच्चे हैं। 7 बच्चे हैं। अच्छा, तो यहाँ पर तकरीबन 50 घर है, तो कोई मंदिर वगैरह है? मंदिर भी है। मंदिर है? हाँ। अच्छा, कहाँ पर है वो भी? वो हमारे घर पे आज विजिट कराओगे मंदिर? तो हाँ जी, ये है जी डूंगर जी, और आपका अपना मंदिर है या मतलब कोई सब लोगों ने मिल के बनाया है कि ये घर? अच्छा, अपने घर में बनाया हुआ? अच्छा, तो इन्होंने अपने घर में एक मंदिर भी छोटा सा बना के रखा हुआ जिसमें पूजा पाठ वगैरह करते हैं। तो अभी हम जाएंगे जी इनका घर का विजिट करेंगे और आपको मंदिर भी दिखाएंगे, तो चलते हैं जी यहाँ से। तो ये भी एक मंदिर वगैरह होगा, और इसका ये बाउंड्री वगैरह भी है। ये बाउंड्री इस तरह की है यार, यहाँ पर चार दीवारी मतलब के। ये देख सकते हो जी, अभी हम जा रहे हैं सभी मिलकर गांव को विजिट करने के लिए। ये यहाँ की सड़कें हैं इस तरह की। ये सभी मतलब के गांव के लोग हैं ना, हमारे साथ जा रहे हैं, जितने भी गांव के लोग हैं सब के सब हमारे साथ जा रहे हैं, और पूरा मतलब के गाँव जो है हमें विजिट करवा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा भाई गर्मी जो है ना, इंतहाई ज़्यादा है। जब ये मेन सड़क जिसको कहते हैं, ये नहर से नीचे तक कर यहाँ आती है, तो इधर जो हमारे भाई मुस्लिम भाई, हमारे वो भाई मुस्लिम भाई, ये जो सब जो मुस्लिम भाई भी जिसका खाता नहीं है, किसकी जमीन नहीं है, वो गरीब लोग हैं, वो ही हमारे भाई बन के रहते हैं, वो बहुत अच्छे भाई हैं। ये ऐसे 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 भाई रहते हैं जैसे एक दूसरे के साथ, जैसे जैसे सके भाई होते हैं, तो एक दूसरे के साथ ऐसे मिलकर काम होता है। जब जिधर बैठते हैं गरीब, तो एक दूसरे के साथ भाईपी होती है, तो फिर अच्छा काम उसका होता है। तो ये बहुत बहुत मेहरबानी। तो अभी 2 घर आगे हैं, वो एक विजिट करेंगे, आपको दिखाएंगे और चलें। जय श्री राम, जय श्री राम। ये सभी लोग जा रहे हैं जी, अभी हम मंदिर का विजिट करने वाले हैं। यहाँ पर एक मंदिर है, बाबा जी ने घर पे बना के रखा हुआ है। ये उताक है, ये है जी बाबा जी की उताक, यहाँ पर ये उताक है जी इनकी। ये जब जिसको हम उताक बोलते हैं, हमारी बोली में हम उसको उताक ही बोलते हैं, हमारी बोली में उसको कहते हैं धर्मशाल। धर्मशाल का मतलब ये होता है जब हमारे कोई मेहमान आते हैं वो इधर बैठते हैं, उसको हम बोलते हैं धर्मशाल। ये जो हमारी एक दरखत को और बैठने के लिए जहाँ ये धर्मशाल होती है हमारी, हो गया तो ये हमारी एक धर्मशाल है डूंगर भाई की। और उससे बाद ये हमारा एक मंदिर जिसमें हम सेवा करते हैं, ये जो है जय हो, जय हो, जय हो। अच्छा सर, क्या मंदिर नाम की रखो है? हाँ, नाम की रखो है रामा पीर। ठीक है, बाबा रामा, ये बाबा रामा पीर का मंदिर है, और सब भाई हमारे सनातनी भाई और इधर आ चुके हैं, तो ये अभी आपको रामा पीर का मंदिर का दीदार कराएंगे। और आपको ये जो रामा पीर का ये झंडा है, ये इसमें हम जो आगे आ जाए अंदर, तो ये मंदिर है, ये रामा पीर का मंदिर है। अच्छा, तो उसमें ये सब इधर सेवा करते हैं। ये कच्ची मिट्टी का बना हुआ है, ये
तो हमें ईटा तो नहीं मिलती ना, गरीब बंदे हैं ना, ये तो हमें अपने सिर पे मिट्टी ले मिट्टी लेके आते हैं तगारियों में और ऐसे रेडियो पे और उठा उठा के ले आते हैं। तो इनों की बहुत मेहरबानी जो ये टिपो में ऐसे एक जगह बैठ अपने धर्म के लिए और सेवा के लिए ये मंदिर बनाए। इसमें क्या है बाबा जी? इसमें पूजा का सामान, पूजा का सामान यहाँ पटांगा हुआ। ठीक ठीक हो गया, पूजा का सामान। तो ये थी, ये था इनका मंदिर। अगर आता है तो ये पक्का मंदिर देख लिया आप लोगों ने, मंदिर किस तरह का है। और हमने जूते उतारे हुए हैं तो हमारे पांव बहुत ज्यादा जल रहे हैं भाई। 30-40 फुट से ऊपर का देश का, तो ये सोच रहे ये कितने साल इसका हो चुका है। तो ये जब आते थे ना उतनी इधर पानी भी नहीं था, इधर टिब्बे थे। ये जगह जो टिब्बो में जैसे चोरस्तानी हमारा इलाका होता है, ये चोरस्तानी इलाका है। इसमें ये गरीब बंदे, इसकी जो मैं ये भी सलूट इन को करता हूँ गरीबों को। ये जब मिट्टी आती है उधर वो इन को पता है, ये टिकन की बाल जो वो भी खोता है हमारे को गरीब बंदे। तो मेहरबानी करके ये देख ले जी, इतनी तपती गर्मी में बच्चे को लेकर पाँव जल जाएंगे। उठा लो उठा लो, ऊपर उठा लो, बच्चे के पाँव जल जाएंगे। क्या नाम है? सगीर। सगीर, क्या स्कूल पढ़ते हो आप? नहीं। अच्छा, पहला पढ़ते सी के हुन नहीं पढ़ते। ये देख लो गाइस, ये गांव है इनका, बहुत ही ब्यूटीफुल। तो गाइस आज के व्लॉग का करता है यहीं पर दी एंड। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आपने लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि मतलब कि इन भाइयों की कुछ ना कुछ हेल्प हो सके। ये अभी हमारे सभी साथ में हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखना, बाय बाय। तो ये हमारे लिए चाय भी आ चुकी है भाई, ये देख लो जी। यार इतनी गर्मी है, चाय नहीं लेकर आनी थी।